हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज नया साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है, तो मैंने सोचा कि आज हम लोग कोई पार्टिकुलर टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, ऐसे मैं कुछ फ्लावर्स दिखाऊंगी जो सीजन फ्लावर खिला हुआ है मेरे गार्डन में और जो ब्लूमिंग हो रहा है, और उसके साथ ऐसे पार्टिकुलर हम लोग लाइक सीजन फ्लावर के ऊपर कुछ बात करेंगे कि आपका ब्लूमिंग हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो कोई क्या रीज़न हो सकता है, पॉसिबल रीज़न ब्लूमिंग ना होने का, या अगर आप कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं अपने सीजन फ्लावर को लेकर तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये बेगोनियाज भी अभी अच्छा फ्लावरिंग स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद ये देखिए डायंथस वगैरह बहुत अच्छा से ब्लूमिंग हो रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है लाइक अगर अभी तो सीडलिंग बनाने का तो कोई टाइम नहीं है, लेट हो गया, लेकिन अब भी आप अगर रेडी प्लांट लाएंगे नर्सरी से, या आप ला चुके हैं जिसका आपके पास ब्लूमिंग नहीं हो रहा है या कुछ प्लांट ख़राब हो रहा है, तो आप कुछ बातें चेक कीजिए, अगर वो रेक्टिफाई कर देते हैं तो आपका प्लांट या सर्वाइव कर जाएगा या अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो फर्स्ट बात है कि आपको बहुत खाद देना होगा अपने प्लांट सीजनल पे, क्या होता है सीजनल 4-5 महीने के लिए रहता है, 4 महीना मैक्सिमम। तो इसमें क्या होता है, बार बार जो पेरेनियल में हम लोग बार बार खाद देते हैं उसका टाइम नहीं होता है, इसलिए जब लगाएंगे तभी आप 40% मिनिमम इसमें आप काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट दोनों में से एक या दोनों का कॉम्बिनेशन 20-20% आप मिक्स करके गार्डन सोयल 40% और 20% बजरी या रिवर सन के साथ आप लगा दीजिए। तो क्योंकि आप इनिशियली जब लगाएंगे तभी अगर आप बहुत फर्टिलाइज कर देंगे तो आपके प्लांट्स को स्टार्टिंग से एक बूस्ट मिल जाता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने ग्रोथ के लिए, और इसका जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा से डेवलप होता है। तो ये आप याद रखिए। और फिर नेक्स्ट है कि आपका जो अभी मैंने मिट्टी दिखाया बहुत वेल ड्रेन रखिए, जो विंटर में धूप बहुत लाइक बहुत हल्की हल्की धूप निकलती है तो उसमें क्या होता है पानी उतना अच्छा से ड्रेन आउट होता नहीं है, सॉरी उतना अच्छा से सूखता नहीं है, तो इसीलिए आप जो अगर पानी आपका रुक गया तो उससे प्लांट का रूट ख़राब हो जाएगा। तो आपका पहले तो आपके पॉट में ड्रेनेज होल चेक कीजिए, उसके बाद आप मिट्टी जो वो वेल ड्रेन बनाइए जहाँ ताकि पानी ना रुके और फिर आपका रूट भी ना गले, नहीं तो रूट रॉट होके भी प्लांट कभी कभी ख़राब हो सकता है। उसके बाद ये देखिए आज बहुत अच्छा अच्छा हिबिस्कस खिला है मेरे इस प्लांट पे, पहले जो येलो दिखाया था वो काल का था और ये आज दो खिल रहा है ना, बहुत सुंदर। ये लाइक पूरा साल ही है मुझे फ्लावर देता रहता है, कोई सीज़न बोल के कोई चीज़ ये नहीं है कि विंटर में नहीं देगा, विंटर में बहुत अच्छा फ्लावरिंग होता है। उसके बाद नेक्स्ट आप ये सेकंड इम्पॉर्टेंट बात है कि आप प्लांट का जो प्लेसिंग है, आप विंटर के जो सीजनल है उसको पूरा धूप चाहिए, तो आप पूरा लाइक जहाँ पर आपके घर में जो इस बेलकनी है या जो वरांडा में या जो जिस गार्डन के जिस स्पेस में पूरा दिन सनलाइट रहता है वहाँ पर अपने सीजनल प्लांट्स को रखिए ताकि आपको पूरा धूप मिल जाए, क्योंकि इसके ब्लूमिंग के लिए आपको पूरा धूप चाहिए होता है, विंटर के प्लांट्स को बहुत धूप बहुत पसंद है। अभी मैंने भी आप देख सकते हैं मैंने इस साइड में आपका धूप बहुत है और मैंने इस साइड में रखा है ताकि इन सबको अच्छा से ब्लूमिंग हो जाए। ये रोज़ को मैंने अभी पॉटिंग करने का मुझे टाइम नहीं मिला, ये देखिए गर्जनिया वगैरह तो धूप नहीं होने से ये खिलेंगे नहीं, ये अभी धूप निकल रहा है और अभी ये खिल रहा है गर्जनिया, देखिए देख रहे हैं, और बेगोनिया वगैरह सबको, ये वर्बिना है, ये सबको बहुत धूप चाहिए। और एक बात इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट जो मैं बोलूँगी, अगर लगाया है सीजनल को, सीजनल के मैक्सिमम प्लांट्स बहुत ही नाजुक होते हैं, तो अगर आप जब लगाएंगे तो इस थोड़ा ऊपर से लगाइए ताकि जो इसका नीचे का पत्ता जो लीफ है वो सॉयल के साथ टच में ना आए, अगर सॉयल के साथ टच में आने से आपका वो पत्ता तो ख़राब हो जाएगा, धीरे धीरे पूरा प्लांट में ही फंगस आ सकता है और प्लांट ख़राब हो सकता है। तो ये एक बात है जो आपको बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा, अगर आपका प्लांट नीचे से थोड़ा ख़राब हो रहा है तो प्लीज़ आप एक बार चेक कीजिए कि ये सॉयल में टच हो रहा है कि नहीं आपका लाइक लीफ, और थोड़ा ऊपर से लगाइए जो आप मिट्टी में बैठेंगे। मैंने एक बार पिटूनिया में भी दिखाया था ना कि पिटूनिया का भी अगर लीफ थोड़ा नीचे नीचे होता है तो वो अगर लीफ ज़मीन में टच हो जाए तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो ये एक बात का आप ख्याल रखिए, अगर आपका प्लांट ख़राब हो रहा है तो आप एक बार प्लीज़ चेक कीजिएगा, और देखिए सनलाइट से कितना अच्छा से खिल रहा है। और अगर आप लाइक पिछले महीने लगाए हैं आपने और आपका सीजनल का ब्लूमिंग एक बार हो गया तो आप थोड़ा गुड़ाई करके ऊपर से थोड़ा खाद दे सकते हैं, उससे बूस्ट अप हो जाएगा आपका प्लांट्स। ये देखिए कितना अच्छा से ब्लूमिंग हो रहा है ना,
और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है, मैंने अभी आपको अभी नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मैंने कल बहुत सारे पिंचिंग कर दिया। पिंचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी फ्लावर आपका सूख गया या पुराना हो गया उसको आपको पिंचिंग करना पड़ेगा। ये आपका प्लांट बहुत खाली खाली लग रहा है। अच्छा ये थोड़ा सूख गया, ये दिखा सकती हूँ। ऐसे देखिए, आपको ऐसा पुराने फ्लावर्स को पिंच करना पड़ेगा। यह प्लांट इसीलिए खाली खाली लग रहा है क्योंकि मैंने इसको कल पूरा पिंच कर दिया था ताकि इसमें न्यू बड्स बने। क्या होता है, अगर आप पिंच नहीं करेंगे तो प्लांट्स तो बीज जो सीड्स बनाने में अपना एनर्जी दे देता है, तो तब आपका न्यू ग्रोथ जो न्यू बड्स नहीं बनता है। तो इसीलिए आप रेगुलर पिंचिंग कीजिए। अगर आपका एक टाइम फ्लावरिंग हो गया उसके बाद फ्लावरिंग नहीं हो रहा है और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हो गया, तब आपने पुराने फ्लावर्स को थोड़ा ऊपर ऊपर से काट दीजिए। तब क्या होगा, आपका न्यू प्लांट में एक रिवाइव कर जाएगा, आपका न्यू बड्स वगैरह बनाने का जो प्रोसेस होता है वो फिर से स्टार्ट कर देगा। और स्पेशली ये पिटोनिया डायंथस वगैरह में आप ज़रूर कीजिए। और जो बंच में फ्लावर्स आते हैं और गजानिया में, एक फ्लावर जब हो जाएगा स्पेंड 3-4 दिन के बाद, तब आप उसको एकदम नीचे से जहाँ से स्टिक निकला था वहाँ से आप काट दीजिएगा। ये कालांचो में भी देखिए, ये जब ख़त्म हो जाएगा ये फ्लावरिंग, तो मैं क्या करूँगी, जहाँ से स्टिक निकला एकदम नीचे से काट दूँगी इसको। ये जो मैं प्लांटर लाई थी, मैंने ऐसे गेंदा वंदा लगा दिया। मैंने दो दिखाया था ना, जो मैं विंडो प्लांटर लाई थी, मुझे बहुत क्यूट लगा था, मैंने ऐसे ही लगा दिया। ये गेंदा जो मैं, मुझे बहुत पसंद आया था। ये देखिए, ये पुराना फ्लावर है, इसको मैं पिंचिंग कर रही हूँ आपके सामने दिखाने के लिए। ये देखिए, ऐसा आपको पिंचिंग करना पड़ेगा ताकि न्यू बल्ब बनाने के लिए एनर्जी भी हो प्लांट्स में और जगह भी हो। देखिए मैंने खाली कर दिया ना आपके सामने, और ये न्यू है, ये न्यू ग्रोथ हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं, विंटर में क्या होता है, हम लोगों का सबके घर में जो सन का जो पोजीशन होता है वो चेंज हो जाता है ना, तो क्या होता है, मैंने भी आपके अपने प्लांट्स को अभी थोड़ा शिफ्टिंग कर दिया है, जहाँ जिस साइड में सन ज़्यादा देर तक रहता है उस साइड में मैंने अपने सीजन फ्लावर को रख दिया है। ये देखिए, इसका साइज़ देखिए कितना बड़ा हुआ है। ये देखिए, तो ये इसीलिए इतना अच्छा से ग्रो किया है क्योंकि फर्स्ट तो मैंने इसको पूरा धूप में रखा है बहुत, और बहुत ही वेल ड्रेन पॉटिंग सॉयल में विथ रिच फर्टिलाइज़र मैंने इसको पॉटिंग किया है, तो इसीलिए इतना अच्छा से हो रहा है। ये देखिए, सब बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं सब कुछ। और ये सीज़न इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है आपके ग्रोथ के लिए प्लांट्स के, और गार्डन इतना कलरफुल हो जाता है। और बहुत 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 सुंदर सुंदर शेड्स है विंटर जो सीजनल फ्लावर्स में, विंटर में गर्मी में भी होता है लेकिन इतने सारे नहीं होते हैं विंटर्स में जितने वैरायटीज़ होते हैं। तो इसीलिए हम लोग को सबको मन होता है कि हम लोगों के घर में पूरा फ्लावरिंग हो, तो इसीलिए अब हम लोग को थोड़ा थोड़ा केयर लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये डायंथस, ये देखिए, ये मेरी गलती है, एक पत्ता थोड़ा ज़मीन से टच हो रहा था, तो देखिए ये पत्ता ख़राब हो गया ना। तो ऐसे अगर आपका भी कुछ ज़मीन में ताज हो जाए तो आप इसको निकाल दीजिएगा जितना जल्दी हो सके, कभी कभी नहीं तो पूरा प्लांट आपका ख़राब हो जाता है फंगस लग के। ये भी बहुत खाली लग रहा है प्लांट क्योंकि मैंने इसको परसों पूरा पिंच कर दिया था। अभी देखिए बहुत सारे न्यू बड्स आ गए इसमें ना, है नॉस्ट्रेशियम, इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे इसका पत्ते का कलर बहुत, डिज़ाइन बहुत पसंद है, गोल गोल सा पत्ता। फ्लावर नहीं आने से भी मुझे कोई इशू नहीं है, पत्ता इतना सुंदर है इसका, है ना। और फिर वही हम लोगों ने अभी जो बातें किया कि आप पानी जब देंगे, पानी भी आप एक एक दिन छोड़ छोड़ के दीजिए। गेंदे में रेगुलर पानी देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेंदे को बहुत पानी चाहिए, लेकिन बाकी सब में आप एक एक दिन छोड़ छोड़ के पानी दीजिए क्योंकि पानी उतना ड्रेन आउट होता है, उतना सूखता नहीं है क्योंकि धूप में अभी उतनी तेज़ धूप तो नहीं है, तो इसलिए पानी थोड़ा कम दीजिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा पानी की वजह से भी आपके विंटर फ्लावर्स उतना ब्लूम नहीं होते हैं। और अगर आपके एडेनियम वगैरह अभी कोई पत्ते वत्ते झड़ भी गए, उसके लिए भी आप चिंता मत कीजिए। ये वाला मेरा ठीक चल रहा है, बाकी 2-3 एडेनियम में एकदम पत्ता एक भी नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल होता है, उसके लिए भी आप चिंता मत कीजिए। वो अभी डोरमेंसी में चला गया, आप उसको एक साइड में रख दीजिए, लेकिन धूप में रखिए, छाँव में मत रखिए, ताकि वो आफ्टर बसंत पंचमी के बाद वो फिर से ग्रो कर जाएगा, फिर से रिवाइव हो जाएगा। और ये देखिए छोटा छोटा, ये काम तो आपको रेगुलर करना पड़ेगा। ये कोलियस वगैरह को आप जो फूल वूल निकले तो आप उसको पिंच कर दीजिएगा रेगुलरली। और फिर देखते हैं,
या क्रिसेंथेमम, इन सब को भी आप रेगुलर जो पुराने पत्ते हैं पिंच कर दीजिएगा, पुराने जो फूल है इसमें तो है नहीं, नहीं तो मैं कर देती हूँ। ये गजनिया, ये स्पेंट आउट है, इसको देखती हूँ तोड़ सकती हूँ कि नहीं, नहीं हाँ इससे आपको तोड़ देना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, डायंथस में भी इसको मैंने कल साफ़ किया था। ये न्यू कलर्स कुछ खिल रहा है, ये सब सब काटिंग से मैंने किया था। ये देखिए, ये डनिया में एक भी पत्ता नहीं है लेकिन ये खिल रहा है ये फूल, ये देखिए। और बड्स भी है लेकिन पत्ता एक भी नहीं है। अगर आपका भी ऐसा हो जाए तो आप चिंता मत कीजिए, ये एकदम नॉर्मल है इस सीज़न में। ये एक न्यू शेड्स खिला है, ये छोटा है जो बटन शेप का है क्रिसेंथेमम, बहुत सुंदर है ये भी, है ना। ये गजानिया नया खिला है, ये देखिए ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं भी अभी वीडियो बनाने के टाइम में देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका कलर इस वक्त। और ये फ्लावर बहुत बड़ा हुआ इनफैक्ट, ये एडवांटेज होता है अगर आप बहुत रिच मीडियम में देते हैं तो। ये सब, ये भी मैंने कटिंग से जो ग्रो किया था अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया। ये क्रिसेंथेमम भी, ये एलामंडा का आपका बड्स बन रहा है, रेड एलामंडा। ये साल्विया वगैरह भी मुझे पिंच करना पड़ेगा, ये इसका थोड़ा काम बाकी है। ये अभी एक एक स्टिक ये ख़त्म हो गया ना, मैं पिंच कर देने से न्यू स्टिक निकलेगा, नहीं तो ये नहीं निकलेगा। और ये भी ऐसा, अगर पुराना कोई स्टिक हो तो आपको तोड़ देना पड़ेगा। ये छोटा छोटा जो काम है हम लोगों को रेगुलर करना पड़ता है विंटर गार्डन में। अभी ये सब भी रेडी है फ्लावरिंग के लिए, ये भी थोड़ा बहुत फ्लावरिंग कर रहा है अभी, ब्लीडिंग हार्ट वगैरह ऐसे आ रहा है गार्डन, ऐसा लग रहा है। इस साइड भी जहाँ जहाँ धूप आती है मैं अपने जो सीजनल फ्लावर मैं रख देती हूँ। अभी थोड़ा पहले से 7-10 डेज पहले और भी कम आता था इस साइड में, अभी थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। कुछ ट्रीज़ वगैरह थे वो अभी कट हो गया साइड में, बाजू वाले हम लोग के नेबर के, उसके बाद अभी थोड़ा इम्प्रूव हो गया आना। और ये देखिए मैं दूर से दिखाती हूँ, जो मैंने इंडो प्लांटर रखा है ये जो ऐसे रखा है, ये दूर से ऐसा लग रहा है। तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा विंटर गार्डन, कैसा लग रहा है, और फिर आप लोगों का गार्डन कैसा चल रहा है, आपको फ्लावरिंग हो रहा है कि नहीं, ब्लूम हो रहा है कि नहीं, अगर और कौन से प्लांट्स आप लोगों ने लगाया है और उन सब कैसा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। और अगर आप लोगों के पास भी कोई सजेशंस या आइडियाज़ हो तो वो भी आप लोग मुझे ज़रूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप कि आप लोग देखेंगे मेरे फ्यूचर वीडियोस भी। और आप सबका नया साल बहुत ही सुंदर जाएगा, बहुत सारे आप गार्डनिंग करेंगे और बहुत सारा एन्जॉयमेंट भी होगा आपका न्यू ईयर में। तो हम लोग इस साल का ये आखिरी वीडियो है, हम लोग एक न्यू वीडियो के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत एंजॉय कीजिए आज 31st नाइट, और अच्छा से पार्टी कीजिए फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ फुल एंजॉय कीजिए। और आप सबका नया साल बहुत शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ग्रेट न्यू ईयर, बाय बाय, टेक केयर।